बढ़ते पॉल्यूशन के बीच दिल्ली में आज से ऑड इवन जो है वो लागू हो चुका है। नियम को देखते हुए जनता को जागरूक करने के लिए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सड़कों पर साइकिल चलाते नजर आए, तो अपने घर से मनीष सिसोदिया साइकिल से दिल्ली सचिवालय जाते नजर आए। इवन तारीख पर इवन नंबर की गाड़ियां ही चल रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो अपनी गंभीरता दिखाते हुए नजर आ रही है। और ये तस्वीरें हम आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं जब अपने घर से दफ्तर के लिए निकले मनीष सिसोदिया और साइकिल पर उनकी तरफ से अपने घर से दफ्तर का सफर तय किया गया, तो कहीं ना कहीं इस दम घोटू हवा में ऑड इवन जो है वो कितना कारगर साबित होता है देखने वाली यहां पर बात रहेगी। लेकिन इस ऑड इवन के फॉर्मूले को अमलीजामा पहनाते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया भी नजर आए और अपने ऑफिस तक वो साइकिल के जरिए पहुंचे। मुख्यमंत्री, सभी मंत्री, हम सब लोग ऑड इवन फॉलो कर रहे हैं, तो आज हम यहाँ साइकिल से जा रहे हैं। तो क्या सर आपकी गाड़ी का नंबर ऑड? मेरा गाड़ी का नंबर ऑड है, तो इसलिए आज इवन डेट पर मैं साइकिल से जा रहा हूँ, ऑड डेट्स पर मैं गाड़ी से जाऊँगा। ऑफिस तक जाएंगे आप? ऑफिस तक मैं साइकिल। अच्छा सर, ऑड इवन आज से लागू हो गया, क्या लगता है कि कितना फायदा पहुँचेगा दिल्ली? ऑड इवन का सबसे बड़ा फायदा यही है कि जब क्राइसिस हो तो थोड़ा सा इनहाउस मैनेजमेंट करके हम थोड़ा सा इस क्राइसिस को अपने ऊपर असर कम कर सकते हैं। पराली एक इस वक्त दिल्ली में बहुत बड़ा क्राइसिस बना हुआ है, पूरे नॉर्थ इंडिया में क्राइसिस बना हुआ है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार अपने लोगों के लिए जो करे वो उनके ऊपर है, हरियाणा की सरकार, पंजाब की सरकार जो करे वो है, दिल्ली के लोगों ने अपने ऊपर एक जिम्मेदारी ली है और आज ऑड इवन करके इसको सफल बना के दिल्ली के लोगों ने बता दिया है कि पॉल्यूशन को लेकर उनका कमिटमेंट है और वो सीरियस है।